आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें, सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 28,34,577 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 64,531 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,092 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 53,978 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में 14 संक्रमितों की मौत, 264 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। नए संक्रमित मामले बढ़ने के साथ ही मौतें भी बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को प्रदेश में 14 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जो एक दिन में सर्वाधिक मौत है। वहीं 264 और लोग संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 13,000 पार कर 13,225 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 4,601 सैंपल निगेटिव मिले। वहीं 2,064 लोग संक्रमित मिले, लेकिन संक्रमित मामलों से अधिक 408 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। देहरादून जिले में 118 मरीज मिले, नैनीताल जिले में 60, हरिद्वार जिले में 39 नए मरीज मिले, चमोली जिले में 19, पौड़ी में 13, उधमसिंह नगर में 7, चंपावत और टिहरी में 3-3 कोरोना मरीज मिले हैं। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में 1-1 संक्रमित मिले। बुधवार को प्रदेश में 14 संक्रमितों की मौत हो गई, इनमें एम्स ऋषिकेश में 7, दून मेडिकल कॉलेज में 1 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 6 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। इनमें 4 महिला संक्रमित भी शामिल हैं। प्रदेश में अब कुल मौत का आंकड़ा 178 पहुंच गया है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 13,225 हो गई है। वहीं 9,132 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,865 केस एक्टिव बने हुए हैं। 178 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 2,655, नैनीताल में 1,942, टिहरी गढ़वाल में 801, हरिद्वार में 3,206, उधमसिंह नगर में 2,394, पौड़ी गढ़वाल में 354, अल्मोड़ा में 384, बागेश्वर में 191, चमोली में 214, पिथौरागढ़ में 215, रुद्रप्रयाग में 153, उत्तरकाशी में 490, चंपावत में 226। तो टोटल मामले 13,225 हो गए हैं। सरकारी नौकरियों के लिए देश में एक एजेंसी एक परीक्षा। तो देश में अब विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए एक ही एजेंसी और एक ही परीक्षा होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA के गठन को मंजूरी दे दी गई है। यही एजेंसी अब रेलवे कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC, बैंकों के समूह ख और समूह ग के पदों के लिए समान पात्रता परीक्षा यानी CET करवाएगी। CET की परीक्षा लिस्ट 3 साल तक के लिए मान्य होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा समय में युवाओं को नौकरी के लिए परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अभी देश में करीब 20 भर्ती एजेंसियां हैं और अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। इसे खत्म करने के लिए NRA के गठन को मंजूरी दी गई है। इसका सीधा लाभ नौकरी पाने वाले इच्छुक युवाओं को मिलेगा। NRA के गठन के बाद ये सभी एजेंसियां इसके दायरे में आ जाएंगी। तो साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी, हर जिले में केंद्र होगा। तो NRA 12 भाषाओं में CET कराएगा। इसके बाद इसमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया जाएगा। CET साल में 2 बार होगी, तो हर जिला में परीक्षा केंद्र बनेंगे। अभ्यर्थी तय अधिकतम उम्र तक जितनी बार चाहें CET की दे सकते हैं। उनके सर्वश्रेष्ठ स्कोर को ही माना जाएगा। पंजीकरण, रोल नंबर, प्रवेश पत्र, अंक व मेरिट लिस्ट ऑनलाइन होगी। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। CET स्कोर सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में इसके साथ साझा किया जाएगा। वहीं 10वीं 12वीं पास व स्नातक उम्मीदवारों के लिए भर्ती की परीक्षा अलग अलग होगी। केजरीवाल का ऐलान, उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो पंजाब और गोवा के बाद उत्तराखंड तीसरा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी इसी सप्ताह उत्तराखंड के सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करने जा रही है। 1.5 माह पहले राज्य में कराए गए एक सर्वेक्षण के नतीजे से उत्साहित होकर के आप पार्टी ने उत्तराखंड को कर्मभूमि बनाने का मन बना लिया है। तो प्रदेश के जो मेन मुद्दे हैं उसमें केजरीवाल ने कहा कि रोजगार की कमी से पैदा हुआ पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और सरकारी स्कूल कॉलेजों में अच्छी शिक्षा का अभाव है। ये तीनों मुद्दे उत्तराखंड में सबसे बड़े मुद्दे हैं। प्रदेश में अभी नहीं खुलेगा अंतर्राज्यीय परिवहन। तो कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश में फिलहाल दूसरे राज्यों से बसों का संचालन पर प्रतिबंध बना रहेगा। सरकार ने राज्य में अंतर्राज्यीय परिवहन को खोलने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ओर से उत्तराखंड में बसों का संचालन का प्रस्ताव भेजा गया था। मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में UP रोडवेज की बसों के उत्तराखंड में संचालित करने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। ये निर्णय COVID-19 महामारी से बचाव के लिए प्रदेश में बाहर राज्यों से आने के लिए प्रतिदिन 2,000 लोगों की सीमा तय है। बसों के संचालन की अनुमति देने से यह सीमा बढ़ जाएगी। दूसरी वजह यह भी है कि संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, रिकवरी रेट अच्छा नहीं है। तीसरी वजह यूपी बस रोडवेज की बसों में अभी
100% सवारी और सामान्य किराया लिया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड में संचालित हो रही बसों में 50% सवारी और दुगना किराया लागू है। इस विरोधाभासी स्थिति को देखते हुए प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। वहीं 75% सवारी, 1.5 गुना किराया जल्द होगा, तो राज्य में संचालित हो रही बसों में जल्द ही 75% सवारी व 1.5 गुना किराया लागू हो सकता है। हेमकुंड साहिब के कपाट 4 सितंबर को खोले जाएंगे, तो सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 4 सितंबर को सुबह 10 बजे खोले जाएंगे। जिला प्रशासन और गुरुद्वारा समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुशांत मामला सीबीआई जांचेगी, तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच सीबीआई करेगी। भारत में गूगल का रोजगार ऐप लॉन्च हो गया, तो गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन को कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है। यह शुरुआती नौकरियां ढूंढने में मदद करेगा। पुलिस विभाग में जल्द शुरू होगी कांस्टेबल की भर्ती, तो पुलिस विभाग में जल्द ही कांस्टेबल की भर्ती शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय इसकी तैयारी कर रहा है। कांस्टेबल से दरोगा तक के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इसके तुरंत बाद नई भर्तियां होंगी। इन दिनों मुख्यालय पुलिसकर्मी की भर्ती की तैयारियों में लगा हुआ है। हाल में शासन ने यातायात पुलिस कर्मियों के 312 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पुलिस सिविल में 1500 पद रिक्त हैं। करीब 1000 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के प्रमोशन होने से भी पद खाली होंगे। कुंभ को बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की जरूरत है, ऐसे में मुख्यालय दिसंबर तक भर्ती कराना चाह रहा है। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कुंभ को देखते हुए भर्ती के निर्देश दिए थे, ऐसे में जल्द से जल्द प्रमोशन कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शहीद राजेंद्र नेगी का पार्थिव शरीर दून पहुंचा, तो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर बुधवार रात देहरादून पहुंच गया। वहीं खबर आई है, देहरादून मसूरी मार्ग 2 घंटे तक बाधित रहा, तो मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी मोड़ के पास बुधवार दोपहर 12:30 बजे करीब मलबा आने और सड़क का कुछ हिस्सा धंसने के कारण बाधित हो गया। इग्नू कोर्स में आवेदन की तिथि 31 तक बढ़ गई है, तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई सत्र में ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन समानता को 31 तक करें आवेदन, तो सिरदर्द सुमन से समानता और मान्यता के इच्छुक संस्थान और महाविद्यालय 31 अगस्त तक ऑनलाइन समानता के लिए आवेदन कर सकते हैं। गणेश चतुर्दशी पर 22 को घरों में होगी पूजा अर्चना, तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला गणेश चतुर्दशी इस बार 22 अगस्त को मनाया जाएगा। कोरोना के चलते शहर में बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे, श्रद्धालु घर पर ही बप्पा की मूर्ति स्थापित कर पूजा करेंगे। जीरो टॉलरेंस की सरकार में शासनादेश तक दरकिनार, तो जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार में शासनादेश तक दरकिनार है। सिफारिश लगाकर हरिद्वार जिले में सेवाएं दे रहे 82 शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के 3 आदेश जारी होने के बावजूद अधिकारी उन्हें रोकने की तैयारी में हैं, लेकिन सवाल उठता है कि सचिवालय में एक साथ पूरा अनुभाग बदलकर सख्त रुख दिखाने वाला शासन अपने ही 3 आदेशों की नाफरमानों का पर खामोश क्यों है। वकीलों को ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करना अनिवार्य होगा, तो उत्तराखंड के अधिवक्ताओं को अब ऑल इंडिया बार एग्जाम अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा, अन्यथा उन्हें प्रैक्टिस से वंचित कर दिया जाएगा। पहाड़ पर आधी नौकरी नहीं करने वाले 55 कर्मियों के लटके प्रमोशन, तो शिक्षा निदेशालय ने मामले में शासन से मांगा है मार्गदर्शन। वहीं खबर आई है, स्वच्छता सर्वेक्षण उत्तराखंड को मिलेगा पुरस्कार, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में उत्तराखंड के 3 पुरस्कार मिलेंगे। नगर पंचायत नंदप्रयाग और अल्मोड़ा कैंट को सबसे अच्छा शहर का पुरस्कार मिलेगा। बृहस्पतिवार को पीएम मोदी स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रकाश पर्व पर सीएम त्रिवेंद्र ने दी शुभकामनाएं, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने रावत ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। फर्जी दस्तावेजों से नौकरी करने वाले 21 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई, 87 संदिग्ध हैं, तो हाईकोर्ट ने प्राइमरी व उच्च माध्यमिक विद्यालय में फर्जी दस्तावेजों से नियुक्ति पाए करीब 3,500 अध्यापकों के मामले दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से 1 सप्ताह में संदिग्ध ऐसे सभी शिक्षकों की लिस्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। सस्ती बिजली मामले की सुनवाई अगले सप्ताह में, तो हाईकोर्ट में प्रदेश ऊर्जा निगम के अधिकारियों कर्मचारी व रिटायर कर्मचारियों
को निगम की ओर से सस्ती बिजली देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगले सप्ताह की तिथि नियत की है। निजी कॉलेजों में नर्सिंग सीटें बढ़ाने की तैयारी की है तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा किया गया है। वहीं खबर आई है प्रदेश के लोक कलाकारों के मानदेय में दुगनी बढ़ोतरी, तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश के लोक कलाकारों के मानदेय में दुगनी बढ़ोतरी की गई है। वहीं खबर आई है दुष्कर्म की पुष्टि हुई तो गिरफ्तार होंगे विधायक, डीआईजी ने कहा है। तो द्वारा हाट के विधायक पर लगे आरोपों और महिला के खिलाफ मुकदमे की जांच के लिए अब जांच अधिकारी बदल दिया गया है। दोनों मामले की जांच अब सीओ सदर करेंगे। डीआईजी अरुण मोहन जोशी का कहना है कि यदि दुष्कर्म की पुष्टि हुई तो विधायक को गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल विधायक की पत्नी की शिकायत पर एक महिला के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन उस महिला की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस भले ही इसके पीछे तकनीकी कारण बता रही है, मगर इस पर सवाल उठने लगे हैं। इन्हीं पर सवालों के जवाब में पुलिस ने जांच अधिकारी को बदल दिया है। अभी तक इसकी जांच नेहरू कॉलोनी पुलिस कर रही थी, लेकिन अब जांच अधिकारी सीओ सदर अनुज कुमार को बनाया गया है। डीआईजी का कहना है कि सीओ सदर को मुकदमे की जाँच के अलावा विधायक के खिलाफ लगे आरोपों को गंभीरता से जाँच के निर्देश दिए गए हैं। महिला ने जिन जगहों का जिक्र किया है वहां भी जांच की जानी जरूरी है। उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के सवाल पर कहा कि इस मामले से जुड़ी चार शिकायतें मिली हैं, जिनमें से एक के आधार पर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। न्याय नहीं मिला तो हाईकोर्ट जाऊंगी, तो विधायक महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला ने कहा कि यदि फौरी तौर पर पुलिस उसे न्याय नहीं दिलाती तो वह हाईकोर्ट का शरण लेंगी। विधायक पर आरोप पुष्ट हुए तो पार्टी एक्शन लेगी प्रदेश अध्यक्ष, तो द्वाराहाट के भाजपा विधायक महेश नेगी दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद चुप्पी साधे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में विधायक पर आरोप पुष्ट हुए तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। भारी कोरोना संक्रमण मिलने पर भी दो दिन से अधिक नहीं होगी बंदी, तो प्रदेश सरकार ने बुधवार को उद्योगों, व्यावसायिक संस्थानों और निर्माण से जुड़ी कंपनियों को कोरोना काल में बिना बाधा के काम करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। अनलॉक 3 के तहत जारी किए गए एसओपी की खास बात यह है कि कम संख्या में कर्मियों के संक्रमित पाए जाने पर कंपनी, उद्योग या संस्थान को बंद नहीं करना होगा। अधिक संख्या में संक्रमण पाया जाता है तो परिसर को पूरी तरह से संक्रमण मुक्त करने के लिए अधिकतम 2 दिन के लिए ही बंद किया जाएगा। बात करते हैं देहरादून की खबरों की, तो 3 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश के 3 जिलों में कुछ स्थानों पर बृहस्पतिवार को भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र की जारी बुलेटिन के अनुसार पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिले के कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा जिलों में भी कई स्थानों पर तेज बौछारें पड़ सकती हैं। दूर मसूरी मार्ग फिर भूस्खलन लगा जाम, तो कोलू खेत पानी वाले बैंड के पास आया मलबा, 2 घंटे बाद यातायात सुचारू हुआ है। मियावाला में नदी किनारे के पुश्ते ढहे 3 मकानों को खतरा बना हुआ है। वहीं खबर आई है देहरादून के प्रेमनगर ठाकुरपुर रोड से, जहां पर ठाकुरपुर रोड पर दरार से कई दुकानों को खतरा बना हुआ है। आज से जनता के लिए खुलेगा निगम, तो नगर निगम के एक अधिकारी में कोरोना आने के बाद बुधवार को आम पब्लिक की एंट्री बंद कर दी गई थी, जिसे बृहस्पतिवार से खोल दिया जाएगा। गांधी रोड बना कंटेनमेंट जोन, तो जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने 9 गांधी रोड स्थित पंचायती मंदिर में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के मिलने पर आसपास के इलाकों को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। 9 की मौत, 118 नए संक्रमित मिले हैं, तो जिले में बुधवार को 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, इसमें से 8 की एम्स में और एक बुजुर्ग की देहरादून कोविड अस्पताल में मौत हो गई। कोरोना मरीज को भर्ती न करने पर डॉक्टरों व एम्बुलेंस कर्मियों में विवाद हो गया, तो कोरोना संक्रमित मरीज को दून अस्पताल में भर्ती कराने को लेकर के डॉक्टर और एम्बुलेंस कर्मियों में रात को विवाद हो गया। डॉक्टरों ने आईसीयू खाली न होने की बात कहते हुए मरीज को एम्स ले जाने को कहा, जबकि कर्मियों का कहना था कि वह सुबह 8 बजे से ड्यूटी कर रहे हैं और दिन में ही एम्स से लौटे हैं, ऐसे में वह इस समय दोबारा ऋषिकेश जाने में असमर्थ हैं। विवाद बढ़ा तो आरोप डॉक्टरों के निर्देश पर गार्ड ने दून अस्पताल का गेट बंद कर दिया, जिसके चलते कर्मी भी एम्बुलेंस छोड़ करके घर चले गए। अन्य एम्बुलेंस चालकों व कर्मियों ने डॉक्टरों के इस व्यवहार पर एतराज जताया। राजभवन हर जिले में विकसित करेगा एससी एसटी आदर्श गांव, तो राजभवन अब हर जिले में कम से कम एक अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव को आदर्श गांव में तब्दील करेगा। इस योजना पर राजभवन ने काम करना शुरू कर दिया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य 26 अगस्त को देहरादून के झादरा बंसीवाला गाँव का निरीक्षण कर इस मुहिम को शुरू करेंगी।
क्लेमेंट टाउन कैंट में अवैध निर्माण को सील कर दिया गया है। विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर 50 साल की ठगी की गई है, तो देहरादून से खबर आई है। वन विकास निगम को 200 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, तो निगम के 33 गोदामों में डंप है करोड़ों की लकड़ी। गुच्चू पानी सहजधारा में सुविधाएं बढ़ाएं तो डीएम ने कहा है, तो पर्यटन विभाग और प्रबंधक समिति की बैठक ली गई है। बरसात में कूड़ा उठान की व्यवस्था लड़खड़ा गई है। कांग्रेसियों ने टिहरी सांसद का आवास घेरा, तो कोरोना संकट में क्षेत्र से गायब होने का लगाया आरोप, बेरोजगारी के लिए भी ठहरा है जिम्मेदार। तो देश में बढ़ती बेरोजगारी और टिहरी सांसद पर कोरोना संकट में क्षेत्र से गायब होने का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को उनके न्यू कैंट रोड स्थित आवास का घेराव किया। रायपुर क्रिकेट स्टेडियम की बदहाली पर प्रदर्शन किया है, तो प्रदेश सरकार पर लगाया 300 करोड़ रुपए की लागत से बने क्रिकेट स्टेडियम की अनदेखी का आरोप। सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, तो सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय की 1 सितंबर से होने वाली स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई। केंद्र सरकार की ओर से 31 अगस्त तक सभी महाविद्यालयों को बंद रखने के आदेश के चलते विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं टालने का निर्णय लिया है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी है, जिसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की वैकेंसी है। इसके लिए 209 पद हैं और आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 7 सितंबर तक रखी गई है। इसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पर दी गई है, यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसकी परीक्षा 20 दिसंबर को होगी। नेक्स्ट वैकेंसी निकली हुई है, स्टेनोग्राफर में 1200 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए एज 18 से 40 साल तक रखी गई है, तो इसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन ऑप्शन जो वेबसाइट दी गई है यहाँ पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि 26 अगस्त है और अंतिम तिथि 24 सितंबर तक है। बैंक के पीओ के पद रिक्त, जल्द करें आवेदन, तो आईबीपीएस बैंक में वैकेंसी निकली हुई, टोटल पद 1417 हैं, तो इसके लिए भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 26 अगस्त तक रखी गई है, तो आईबीपीएस की ऑप्शन साइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। क्लर्क के पदों पर अवसर, तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग में लेखा लिपिक के लिए वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पद 142 हैं, तो इसके लिए आवेदन 14 सितंबर तक कर सकते हैं। तो इसकी ऑप्शन जो वेबसाइट है triplesc.uk.gov पर जाकर के विज्ञप्ति और आवेदन यहीं से कर सकते हैं। राइफलमैन जसवंत सिंह को नमन किया गया, तो महावीर चक्र विजेता राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की जयंती पर बुधवार को उन्हें नमन किया गया। हरी तालिका तीज के पहले दिन लिया दरखाने का आनंद, तो गोरखाली महिला हरी तालिका तीज उत्सव समिति की ओर से गोरखाली सुधार सभा के दरखाने कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम जुमलों तक ही सीमित, तो आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। वहीं खबर आई है, पहाड़ पर टूटा बारिश का कहर, एक की मौत हो गई, तो केदार घाटी में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट ML अंजवाल ने बताया कि खराब मौसम और पैदल मार्ग के डेंजर जोन को ध्यान में रखते हुए सोनप्रयाग से यात्रियों को केदारनाथ के लिए रवाना नहीं किया गया। इस दौरान केदारनाथ दर्शन कर 20 से अधिक श्रद्धालु लौट गए। रुद्रप्रयाग में 25 से ज़्यादा मार्ग बंद पड़े हुए हैं। वहीं उत्तरकाशी में जलकोट नदी में बह गया किशोर, तो अतिवृष्टि से जलकोट नदी में आए उफान से में बहने से भटकोट गांव के एक किशोर की मौत हो गई। बद्रीनाथ हाईवे बंद, वाहन फंसे रहे, तो लगातार बारिश हो रही है जिससे बद्रीनाथ हाईवे बुधवार दोपहर को लामबगड़ में बंद हो गया। घर में घुसा मलबा GIC मार्ग पर बन गई खाई, तो गुप्तकाशी से खबर आई है। वहीं बादल फटने से गदेरे उफान बह रहे हैं। पोखरी से खबर है, जहाँ पे मार्ग बंद, महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया, तो बारिश के चलते पोखरी हापला मार्ग बंद होने से एक महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। गोपेश्वर से खबर है, जहाँ पे घाट ब्लॉक के 60 गांव में बिजली ठप हो गई है। भूस्खलन से यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे बंद हो गया, तो उत्तरकाशी बड़कोट से खबर है, जहाँ पे मानसून में बारिश से गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे विभिन्न मोटर मार्गों पर भारी भूस्खलन से बंद हो गया। वाहनों पर गिरे बोल्डर मलवा आने से हाईवे बंद हो गया, तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। वही खबर आई है पोखरी से, जहां पे मकानों में आई दरारें, कई गौशालाएं बह गई हैं। भिलंगना में 10 मकान खतरे की जद पर है। नारायणबगड़ में 18 गौशालाएं बह गई।
4 सितंबर को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, तो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को दिखानी होगी 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट। वहीं ई पास भी बनवाना जरूरी है। जोशी मठ में सेना के 8 जवानों समेत 19 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं गोचर में एक ही परिवार के 6 सदस्य भी कोरोना संक्रमित मिले। चमोली में 200 के पार पहुंच गई है संख्या। सलमान खान की रेकी करने का आरोपी सांगा गिरफ्तार किया गया है। तो बॉलीवुड स्टार सलमान खान की रेकी करने वाले आरोपी राहुल उर्फ सांगा को फरीदाबाद पुलिस ने पौड़ी तहसील के पाताल गांव से गिरफ्तार कर गिरफ्तार किया है। आरोपी यहां अपने दोस्त के साथ आया था। हालांकि मामले में स्थानीय पुलिस व राजस्व विभाग को कोई जानकारी भी नहीं लगी। ऋषिकेश कैंपस में 45 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। तो लंबे इंतजार के बाद हृदय सुमन विश्वविद्यालय ऋषिकेश कैंपस में स्थायी नियुक्तियों की राह खुल गई है। प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय के ऋषिकेश कैंपस में प्रोफेसर, एसोसिएशन प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करने को हरी झंडी दे दी है। वहीं खबर आई है गदेरा पार तुंगरा गाँव पहुंची माँ नंदा की डोली। 9 को मिला स्वरोजगार के लिए लोन, तो उत्तरकाशी से खबर है जहाँ पे 137 ने किया था आवेदन। डीएम ने कहा लोन निरस्त करने पर बैंक कर्मी पर होगा केस। ऑटो चालक 30 की जगह यात्रियों से वसूल रहे थे 70 रुपये। तो खबर है कोटद्वार से जहाँ पे भाबर में मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। साप्ताहिक बंदी के दिन दुकानें खोलने पर करे चालान, तो बड़कोट पुरोला से खबर आई है। ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता में देवान सब्बल तो नरेंद्र नगर महाविद्यालय की पहल पर हुआ आयोजन। हरिद्वार के 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं एक अफसर को एक ही जिम्मेदारी दी जाएगी। तो कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जिलाधिकारी ने जारी की नई SOP। बायोमेट्रिक पंच से राशन लेने से उपभोक्ताओं का इनकार, अधिकारी बोले शासन के आदेश से शुरू कराई प्रक्रिया। तो विभागों में शुरू नहीं हुई बायोमेट्रिक हाजिरी। तो सरकारी विभागों में मार्च महीने से बंद बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने की प्रक्रिया दोबारा शुरू नहीं कराई जा सकी है। जिले में कांग्रेस नेता समेत 69 लोग संक्रमित मिले हैं। 9 दिन बाद आज खुलेगा नगर निगम। तो नगर निगम कार्यालय 9 दिन के बंदी के बाद आज बृहस्पतिवार को खुलने जा रहा है। वहीं खबर आई है मूसलाधार बारिश से सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। तो कनखल और ज्वालापुर में नाले चौक हो गए हैं। अपर बाजार में कीचड़ आ गया है। वहीं गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटाव भी शुरू हो गया है। बारिश से उफान पर आई कई नदियां, तो दहशत में हैं लोग। वहीं चेतावनी निशान पर पहुंचा गंगा का जलस्तर। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। इस खबर आई है आज आएगा स्वच्छता सर्वेक्षण का परीक्षण। तो स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के बृहस्पतिवार को आने वाले परिणाम पर नगर निगम और कूड़ा निस्तारण कंपनी की साख दांव पर लगी है। पुलिसकर्मी नियमित कराएं मेडिकल टेस्ट, तो SSP ने कहा है। तो SSP ने ऑनलाइन मासिक अपराध बैठक के में दिए निर्देश। लक्सर विधायक ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। तो भगवानपुर ब्लॉक प्रमुख अधिकारी प्रमुख के अधिकार सीज होने पर जताई नाराजगी। खबर आई रुड़की से जहां पे दहेज मांगने पर दूल्हा सहित बारात बंधक बनाई गई है। तो निकाह की रस्म के दौरान दूल्हे के दहेज में बाई की डिमांड करने से नाराज दुल्हन पक्ष ने पूरी बारात को बंधक बना दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गांव के दोनों पक्षों के लोगों को पंचायत हुई, लेकिन दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। किसानों को मिलेगा पूरा यूरिया। तो एक रैक सहकारी समितियों व आधा रैक प्राइवेट दुकानदारों के लिए पहुंची। वहीं खबर है रुड़की से जहां पर 2 दिन पूर्व लापता हुई युवती फिल्मी अंदाज में कोतवाली आ पहुंची। यहां पुलिस ने उसके आने पर परिजनों को सूचना दी। परिजन उसके अपने साथ ले जाने के लिए लगे, लेकिन उसने मना कर दिया। परिजनों ने जबरदस्ती की तो युवती ने ड्रामा शुरू कर दिया। पुलिस ने किसी तरह उसको समझा करके शांत किया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में BA की सभी सीटें फुल हो गई हैं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने BA के 4 विषयों की सीटें बढ़ा दी हैं। वहीं खबर आई है 16,000 बच्चों के भविष्य पर कोरोना का ताला। तो संसाधनों के अभाव में ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित हरिद्वार जनपद के मदरसों के बच्चे। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो खबर आई है रक्सिया नाले में ने मचाया कहर, दीवार तोड़ दी है। तो प्रेमपुर लोस ज्ञानी क्षेत्र में राजकीय उच्चतर स्कूल रक्सिया नाला बार बार नुकसान पहुंचा रहा है।
नाले में फंसे यात्रियों से भरी बस। तो खबर आई है रामनगर नैनीताल से, जहां पे मंगलवार रात से हो रही बारिश की वजह से बुधवार को धनगढ़ी और पनोड़ नाला उफान पर रहा। दोपहर के समय पहाड़ जा रही यात्रियों से भरी बस धनगढ़ी नाले में तेज बहाव में फंस गई, 12 घंटे में फिर टूट गई पेयजल लाइन। तो खबर आई हल्द्वानी से कि चंबल से, जहाँ पे चंबल पुल के पास 4 दिन पहले टूटी पेयजल लाइन मरम्मत के सिर्फ 12 घंटे में ही दोबारा ध्वस्त हो गई। अव्यवस्थाओं के खिलाफ व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। तो प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल महानगर इकाई ने सुशीला तिवारी अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं और कोविड मरीजों के साथ किए जा रहे कथित अमान्य व्यवहार के खिलाफ बुधवार को बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया। वहीं खबर आई है घरेलू विवाद से गर्भवती के पेट पर मारी लात। तो खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे सफदर का बगीचा स्थित मायके में रिश्तेदार ने गर्भवती महिला के पेट पर लात मार दी। शिकायत पर बनभुला पुलिस ने महिला के बहनोई और उसके 2 पोतों के खिलाफ मारपीट और धमकी देने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। जिले के 27 हिस्ट्री शीटर गायब, पुलिस कर रही है तलाश। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे जिले के 11 थानों के 27 हिस्ट्री शीटर लापता हो गए हैं। पुलिस की टीमों ने इनकी तलाश की लेकिन उनका पता नहीं चला है। अनलॉक 3 के बाद भी नहीं बढ़ी बिजली की खपत। वहीं खबर आई है निजी स्कूल तय समय से अधिक चला रहे हैं ऑनलाइन क्लास। तो इससे कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों और अभिभावकों के लिए मुसीबत बनी हुई है। जमरानी के लिए हल्द्वानी में ही बनाए बोर्ड। तो कोविड के चलते जमरानी बांध परियोजना का काम शिथिल पड़ गया है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो कुमाऊं से खबर आई, जहां पे पिथौरागढ़ में 30 सड़कें बंद हो गई हैं। तो जिले में मूसलाधार बारिश से जिले की 42 सड़कें बंद हो गई, जिनमें से 12 सड़कें खोल दी गई, 30 सड़कें अभी भी बंद हैं। वहीं 10 घंटे बंद रही थल मुंशारी सड़क। लुमती में मलबे के साथ दुकानों में घुसे पेड़। तो खबर आई है बंगा पानी क्षेत्र में मौसम ने फिर कहर बरपाया है। नाले का रुख आबादी की ओर होने से भारी मात्रा में मलबा और पेड़ एक दुकान की शटर तोड़ते हुए भीतर घुस गया। वहीं खबर है रोज शाम 2 किलोमीटर दूर चले जाते हैं 14 परिवार। तो भोटिया खेड़ा के ऊपरी पहाड़ी देवलेक में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जबकि निचले इलाके में गौरी नदी के कटाव हो रहा है। खतरे को देखते हुए 14 परिवार पिछले 28 जुलाई से रोज दिन में अपने जानवरों को और घरों को देखने आते हैं। इसके बाद शाम को वह 2 किलोमीटर दूर सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। 4 दिन पहले बनाया पैदल पुल बह गया है। तो धारचूला से खबर आई है, वहीं 2 दुकानों में घुसा बारिश का पानी। तो लोहाघाट से खबर आई है नेपाल में बादल फटा, 6 की मौत हो गई है, 11 लापता हो गए हैं। तो नेपाल के प्रदेश नंबर 7 के अछाम जिले में राम रोशन गांव पालिका में बुधवार तड़के बादल फटने से कैलाश गदेरा उफान पर आ गया। गदेरे के साथ आए मलबे में वार्ड नंबर 5 का गांव मलबे में दब गया, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 11 लोग लापता हैं। टनकपुर पिथौरागढ़ NH 6 घंटे तक बंद रहा। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पर स्वतंत्रता सेनानी दिगारी के नाम से जाना जाएगा आदर्श GIC। नंदा अष्टमी मेले में नहीं लगेगी झांकी, तो सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से होंगे धार्मिक कार्यक्रम, मंदिर परिसर में निकलेगा डोला। टनकपुर से खबर है, जहां पर शारदीय नवरात्र में खुलेंगे माँ पूर्णागिरी धाम के कपाट। द्वाराहाट के विधायक का पुतला फूका गया है। मोनाल के शिकार की सूचना पर गश्त। तो मुंशियारी में राज्य पक्षी मोनाल का अवैध शिकार हो रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रमुख वन संरक्षक देहरादून के को मुंशियारी क्षेत्र में अवैध शिकार की सूचना दी थी, जिसके बाद DFO ने के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में जाकर के कॉम्बिंग की है। बंद हुआ दुग्ध संघ का कार्यालय। तो कर्मचारी के संक्रमित होने पर उठाया कदम, जारी रहेगा दुग्ध को एकत्र करने से आपूर्ति तक का काम। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे एक और पुलिसकर्मी मिला कोरोना पॉजिटिव। लोहाघाट से खबर है, जहां पे बिजली आपूर्ति ठप, लोग परेशान रहे हैं। 2.5 लाख रुपए के साथ 6 जुआरी गिरफ्तार, 2 सटोरियों को भी पकड़ा गया है। गरीब बच्चों को ना तो किताबें मिली ना ही पैसे, देश पढ़ेगा और बढ़ेगा कैसे। तो कुमाऊं भर के सरकारी शिक्षा व्यवस्था की हालत बदहाल है। वही खबर है, जारी नहीं हुई धनराशि। तो नगर जिले में इस बार सर्व शिक्षा अभियान के राजकीय प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के बच्चों की पुस्तक खरीदने की धनराशि जारी नहीं हुई है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो झिमझिम बारिश गर्मी से मिली राहत, जल भराव से आफत बना हुआ। वहीं बिजली लाइन पर पेड़ की टहनियां गिरने से ट्रांसफार्मर फूकने से बत्ती गुल रही। तो काशीपुर से खबर आई, वहीं 2 घंटे बारिश से काशीपुर में जल भराव हो गया।
हिम्मतपुर में अतिक्रमणकारियों की बेदखली पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा निचली अदालत से अपील कर सकते हैं कब्जेदार। गुरु नानक इंटर कॉलेज के निलंबित प्रधानाचार्य के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी गई। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे 51 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 12 कोरोना संक्रमितों को स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज भी किया गया। वीडियो वायरल होने पर मेडिकल स्टोर में छापा मारा गया है। तो सितारगंज से खबर आई, जहां पे मेडिकल स्टोर में बराबर के होटल में रखी प्रतिबंधित दवाई का वीडियो वायरल होने पर प्रशासन ने होटल और मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। लवारिस सांड ने घर में सोए बुजुर्ग पर हमला किया जिसे मौत हो गई है। तो सितारगंज से खबर आई है, प्रधानों ने ब्लॉक कार्यालय में जड़े ताले। तो रुद्रपुर में बीडीओ को बनाया बंधक, पंचायतों को कार्यदायी संस्था बनाने की कर रहे थे मांग। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे संदिग्ध हालत में मिला गुरुद्वारा कमेटी प्रधान का के बेटे का शव। संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत हो गई। तो दिनेशपुर से खबर आई है, वहीं जसपुर से खबर है, जहाँ पे फर्जी शिक्षक पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। और रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे बाजार आया दुकानदार लापता, अपहरण की आशंका जताई जा रही है। तो घर से साइकिल में सवार होकर के बाजार में दुकान की खरीदारी करने आया दुकानदार लापता हो गया। परिजनों का कहना है कि शाम 3 बजे उन्हें कॉल कर खुद के अपहरण होने की सूचना दी है। टेम्पो चालक से मारपीट, बंधक बनाकर के लूटने का आरोप लगाया गया है। तो रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे टेम्पो हटाने के विवाद में 3-4 युवकों ने मिलकर के टेम्पो चालक को बुरी तरह से पीट दिया। वहीं खबर आई है काशीपुर से, जहाँ पे 2 लोगों पर सरकारी चावल की कालाबाजारी में केस दर्ज किया गया है। खबर आई है, मीलों को घाटे से उबारने हम सभी की जिम्मेदारी। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे डीएम रंजना राजगुरु ने गन्ना विभाग के अधिकारियों के साथ चीनी मीलों की समीक्षा की है। अवैध खनन रोकने को लगेगी 32 सीसीटीवी। तो रुद्रपुर से खबर आई है,